हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गरम थाली में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपके साथ दोस्तों मैं शेयर करने जा रहा हूँ बेसन की शेव बनाने की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक ग्राइंडर लिया है, जिसके अंदर मैंने ऐड किया है तकरीबन 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन। इसको लीड बंद करके हमें इसको ड्राई ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया एक स्टील का बड़ा सा बर्तन, जिसके अंदर मैंने लिया तकरीबन 1 कप बारीक बेसन। इसके अंदर मैं ऐड कर लेंगे जो हमने जीरा और अजवाइन का पाउडर बनाया था। इसको हम छाननी के अंदर से छान के ज़रूर डालेंगे, क्योंकि अगर छान के नहीं डालोगे तो इसके जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ये जब आप शेव बनाएंगे तो शेव मेकर के अंदर फंसने के चांसेस आते हैं, और फंसने के बाद आपके प्रॉपर शेप बन नहीं पाएंगे, इसलिए छान के डालना ज़रूरी है। छानने के बाद में ये बचत पार्ट है, आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर डाला है मैंने तकरीबन 1 चम्मच नमक। इसको हम चम्मच की सहायता से ड्राई मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर से मैंने हींग ऐड किया है, हींग से शेव के अंदर आपसे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसके बाद मैंने लिया एक तड़का पैन, तड़का पैन के अंदर मैंने डाला है 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और रिफाइंड ऑयल गर्म करके हम इस बेसन के अंदर ऐड कर लेंगे। इससे होगा क्या, आपकी शेव क्रिस्पी बनेगी। ये मैंने यहाँ पर तेल ऐड किया, और तेल को हम चम्मच की सहायता से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे तेल गर्म होता है। इसके बाद हम लेंगे तकरीबन आधा ग्लास पानी, और पानी को थोड़ा थोड़ा बेसन के अंदर ऐड करके हम बेसन को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हाथ की सहायता से अच्छी तरह हम इसको आटे को टाइट गूंथेंगे। इस आटे को मैंने साइड में एक कटोरी के अंदर रख लिया है। इसके बाद मैंने लिया एक कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया तेल, तेल गर्म करने के लिए रख दिया। इसके बाद मैंने लिया शेव मेकर। इस शेव मेकर को अंदर की साइड से हम एक स्पैचुला की सहायता से हल्का सा तेल लगाएंगे, ताकि ये जो आटा हम जो फिलिंग करेंगे तो आटा इसके साथ चिपकेगा नहीं। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये आटा फिलिंग किया है। इसके बाद हम चेक करेंगे तेल गर्म हुआ है नहीं। तेल के अंदर आटा डालने के बाद अगर आटा तुरंत ऊपर आया, मान लीजिए तेल गर्म हो चुका है। इसके बाद हम शेव मेकर की सहायता से शेव ऑयल के अंदर ड्रॉप करेंगे। ध्यान रहे इसमें शेव की ज़्यादा लेयर नहीं डालेंगे आप, क्योंकि ज़्यादा लेयर थिक डालोगे तो ये अंदर से कच्चा रहने के चांसेस होते हैं। ये हमारे शेव बन के अभी रेडी है। शेव को ज़्यादा जलाना नहीं है आपने। तो चलिए दोस्तों, इसी शेव को हम दूसरे मेथड से बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया एक ग्राइंडिंग जार, जिसके अंदर ऐड किया मैंने तकरीबन 1/2 कप रिफाइंड ऑयल और 1/4 कप पानी। इसको ढक्कन बंद करके हम हाई स्पीड पे फेंट लेंगे। फेंटने के बाद कुछ इस तरीके से कलर इस मिक्सर का बन जाएगा। ये देखिए, इसको हम अलग रख लेंगे। इसके बाद मैंने लिए एक प्लेट, प्लेट के अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसके लिए मैंने 2 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच अजवाइन, 15 से 20 कली लहसुन की छिली हुई, थोड़ा सा हल्दी, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, और ऊपर से थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे खुशबू के लिए। ये सारी चीज़ें हम ग्राइंडिंग जार के अंदर ऐड कर लेंगे, और इसको लीड बंद करके सबसे पहले ड्राई ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद तकरीबन 1/2 ग्लास पानी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसके बाद फिर दोबारा लीड बंद करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से। इसके बाद मैंने लिया एक स्टील का बड़ा सा बर्तन, जिसके अंदर मैंने ऐड किया है तकरीबन 3 कप बारीक बेसन। इसके बाद जो हमने मिक्सचर बनाया था स्पाइसेस मिक्सचर, इसको भी हम छाननी के अंदर से छान के डालेंगे। इसमें भी लहसुन वगैरह के आर्टिकल्स जो बारीक नहीं हो पाते, वो हमारे शेव मेकर के अंदर फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए छान के डालना बहुत ज़रूरी है। चम्मच की सहायता से इसको ऐड कर लेंगे।
इसके बाद जो हमने पानी और ऑयल का फेटा हुआ मिक्सचर रहा, इसी की सहायता से हम बेसन को चम्मच की सहायता से गूंथेंगे। इसके बाद हाथ की सहायता से अच्छी तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा मिक्सचर ऐड करके इस तरीके से आटे को टाइट गूंथ के साइड में रख लेंगे। इसके बाद ऑलरेडी हमारा तेल गर्म हो चुका है। इसके बाद शेव मेकर के अंदर इस आटे को फिलिंग करके हम यहाँ पर लिए मैंने एक बड़े छेद वाली प्लेट, ताकि हमारी सेव थोड़ी सी बड़ी बन जाए। इसमें भी ध्यान रखने वाली बात, ज़्यादा बड़ी लेयर नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा बड़ी लेयर डालेंगे तो सेव हमारी अंदर से कच्ची रह सकती है। तो प्लेट थोड़ी बड़ी होने की वजह से हम उल्टी पलटी करके इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे। ये देखो शानदार कलर, शानदार सेव बन के रेडी है। अभी दीपावली का टाइम आ रहा है, तो ये सेव आप अपने किचन के अंदर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए सेव बिल्कुल क्रिस्पी बन के रेडी है। अगर ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे रेसिपी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।